चल भाई मूवी चलते हैं। शान, बस बहुत हो गया। क्या हुआ? Now you have to do something. अरे बोलो तो, हुआ क्या? यार मेरे पापा मेरे लिए एक लड़का देख चुके हैं, वो US से है, वो कल आ रहा है मुझसे मिलने। क्या? हाँ। तो तू शान को अपने पापा से क्यों नहीं मिला देती है? कोशिश किया था मैंने, पर उसका नतीजा ये निकला। पापा को देख के आती हूँ। ओके। बुड्ढे ने घर अच्छा बनाया है। सही है। शादी के बाद तो सब अपना ही है। ए रामू, इधर आ। अबे तुझे ही बुला रहा हूँ, इधर आ जाओ, एक ग्लास पानी लेकर आओ। पहले ये बताओ, हो कौन तुम? मैं कौन हूँ? साले नौकर, तेरी इतनी मजाक, तू मुझसे पूछेगा मैं कौन हूँ? मैं इस घर का होने वाला इकलौता दामाद हूँ। और सुनो, जब मैं यहाँ आ जाऊँ, सुबह की पहली कॉफी मालिक के नहीं मेरे रूम में आ जानी चाहिए, समझे कि नहीं? अच्छा, तो शादी के बाद आप यहीं रहेंगे? तो क्या, बुड्ढे ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है, वो इसको लेके करेगा क्या? इस बोझ को संभालने के लिए मेरे कंधे बिल्कुल तैयार है। शान! यस बेबी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पापा है ये मेरे। हाँ तो नहीं नहीं, रामू काका। अरे यार, अब तो पापा इसकी शक्ल भी देख लेना तो उनका बीपी हाई हो जाता है। भाई तेरे तो एल लग गए। अरे यार, बेटी श्रीदेवी और बाप रामू काका, अब तू ही बता इसमें मेरी क्या गलती? शान, माइंड योर लैंग्वेज, पापा है वो मेरे। मैंने तो कहा ही था मम्मी पे गई हूँ मैं। अच्छा ये सब छोड़ो, अब ये सोचो ये जो नया नमूना आ रहा है उसका क्या करें? अरे तू चिंता मत कर, मुझे पता है पापा लोगों की पसंद होगा कोई मोटा गेंडा अंकल जी टाइप का, तो तू देखते ही बोल देना कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं, बस हो गया। आई होप ऐसा ही कुछ हो। यार ये NRI कब आएगा? भाई जैसा हम लोग सोच रहे, अगर वैसा हुआ ही नहीं तो? मतलब? मतलब अगर लड़का इससे ज्यादा हैंडसम डैशिंग और रिच हुआ तो? अबे साले सकल अच्छी ना हो तो बात अच्छी क्या कर? मेरी सकल भी अच्छी है और मैं बातें भी अच्छी कर। ये क्या रहा? तेरे तो एल लग गए। क्या मतलब है तेरा? साले खुद को देख और उसकी पर्सनैलिटी देख, उसके सामने ना तू छिला हुआ मुर्गी लगता है। तेरी तो साइकिल की भी औकात नहीं है और वो देख कार में एंट्री मार रहा है, और उसकी हाइट देख, और तेरी जहाँ शुरू होता वही खत्म हो जाता। अबे साले तू मेरे साइड है या उसकी साइड है? पहले तो तेरी साइड था, अब सोच रहा हूँ पार्टी बदल लूँ। साले दोगले गई के। Thank you.
ऐसे तो तेरी बंदी साथ है बट यहाँ पिघल गई। अब इसको क्या हो गया? जले पे मिर्ची लगी है। ए तू चुप रहे। हाँ तो बहुत खुश लग रही थी ना, काफी हंस हंस के बातें हो रही थी, है ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम, वहाँ पर मेरे पापा थे और मुझे वैसा एक्ट करना पड़ा। शान दुनिया में कितना भी अच्छा लड़का मेरे सामने आके खड़ा हो जाए पर मैं तुम्हें ही चुनूंगी बिकॉज आई लव यू। आई लव यू टू। चलो तो फिर भाग चलते हैं। क्या कह रही हो तुम? फिर और क्या करूं मैं, तुम्हें छोड़कर मैं और किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। भाग जाना कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो भाग जाएंगे, पर तुमने सोचा है उसके बाद तुम्हारे पापा का क्या होगा? वो क्या फील करेंगे जिस लड़की को उन्होंने बचपन से लेकर बड़ा किया है, अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा है, उनका क्या होगा? माना कि इस दुनिया में मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर कोई भी इंसान तुमसे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना एक बाप अपनी बेटी को करता है। तो और क्या करूँ मैं, आई कांट लिव विदाउट यू। इवन आई कांट लिव विदाउट यू, पर अगर शादी करेंगे तो तुम्हारे पापा की मंजूरी से, वरना नहीं। शान ये सब बोलना आसान है पर करना नहीं। 7 दिन के अंदर मेरी सगाई है, वो जितनी बड़ी बातें कर सकते हो ना उतना ही मुझसे प्यार करते हो, तो आकर मेरी सगाई रोक लेना, मैं तुम्हारा आखिरी पल तक वहाँ पर वेट करूँगी। बाय शान। अगर तेरे मोहब्बतें ख़त्म हो गई हो तो DDLG के बात करें। मतलब? अरे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या बोल रहा है यार, साफ साफ बोल ना तू। देख मेरे पास एक प्लान है, उस US वाले को आउट करने का और तुझे इन करने का। अरे क्या क्या भाई बता ना। तुझे बस पापा को इम्प्रेस करना पड़ेगा और हमारा प्लान हो जाएगा सक्सेसफुल। ऐसे क्यों देख रहा है? पर करेंगे कैसे उनको इम्प्रेस, ये तो मुझ पे छोड़ दे। अब बोल प्लान क्या है। वो देख पापा, मैं जा रहा हूँ पापा को डराने, क्या तू मुझे डरा के भगा देगा और बन जाना हीरो। क्या प्लान है यार? सुन डराना ही, अगर हाथ उठाया ना तो बता दूंगा सारा प्लान तेरा है। अरे रे क्या बकवास कर रहा है। नहीं यार मैं सिर्फ डराऊंगा। चल जा जा जा। क्या चाहिए तुम्हें? चल जेब में जो जो है निकाल। श्रुतिया है क्या? इसको कैसे पता? और मॉर्निंग वॉक में जेब में कौन क्या लेके घूमता है? क्या गुंडा बनेगा रे तू, पहले सीख ले, ट्रेनिंग ले ले, उसके बाद चोरी कर। क्या हुआ अंकल जी? तेरी ये कहाँ से आ गया, ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं। अरे बेटा सुबह सुबह मुझे लूटने आया है। नहीं नहीं भैया मैं तो मजाक कर रहा था। कर रहा था मैं तेरा तो मजाक अभी निकालता हूँ। रुको। अबे तू? हाँ मैं, जब जब कोई गरीब लाचार मुसीबत में होता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। आप लोगों ने ये देखा, ये आपको लूटने आया था, क्या किसी ने ये देखा? इसका बाप बीमार हो सकता है, माँ को कैंसर हो सकती है, क्या ये किसी ने सोचा? ये तो फिरंगी है, हमारे संस्कार हमारे कल्चर से पड़े है। पर अंकल आप भी, अरे अंकल जी आप तो बड़े हैं, आपको तो हमारे संस्कार हमारे कल्चर का ज्ञान है, फिर भी आप। अरे जाने दो बेटा जाने दो, तुम जाओ। हाँ तुम जाओ। अबे भाग। क्या? अबे भाग साले, उससे पहले कि ये फिरंगी तुझे अपने जानवर जैसे हाथों से मसल दे। रन। माफ करना अंकल जी अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। अरे नहीं नहीं अच्छा लगा तुम्हारी सोच और तुम्हारा संस्कार देखकर। शाम को घर पर आओ, मानसी की एंगेजमेंट की तैयारी हो रही है, कुछ मदद कर देना। जी अंकल जी जैसे आपकी आज्ञा। चलो बेटा। बाप बीमार, माँ को कैंसर। अबे वो तो तेरी जान बचाने के लिए बोला मैंने। और साले तुझे तो छोड़ूंगा ना।
अंकल जी आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है खिचड़ी में? अरे अंकल यहाँ पे लड़की की जिंदगी खिचड़ी ना बन जाए उसकी टेंशन है और आपको खिचड़ी की पड़ी है। क्या मतलब? मतलब अंकल जी आपको अजीब नहीं लग रहा अनिकेत के बारे में? क्या अजीब? अंकल एक तो लड़का कोड़ा चिट्टा ऊपर से इतना अच्छा खासा दिखता है, हाँ? इतना पैसा वाला है, हाँ? ऊपर से लड़के की ठीक से ताड़िया भी नहीं आती है। अरे तो किसी किसी के तो होते हैं ना हार्मोन्स की प्रॉब्लम, आ जाएंगे कभी ना कभी। तो देखो इसकी भी तो नहीं है। अंकल जी वो टिकटॉक भी चलाता है। टिकटॉक तो रियाज और फैजू भी चलाते हैं, बन गए ना स्टार, वो भी बन जाएगा। अंकल मैंने उसके सारे सोशल मीडिया चेक किए हैं, एक भी लड़की के साथ पिक्चर नहीं है, सारे लड़के के साथ पिक्चर्स भरे हैं। अरे तो इसमें बुराई क्या है, सारी तो अच्छी बातें हैं। अंकल जी आप ना बात को समझ नहीं रहे हो। अरे तुम लोग ठीक से समझाओगे तब ना समझूं मैं। अंकल आपको नहीं लगता अनिकेत के है क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अंकल हमारा काम था आपको आगाह करना, वो हमने कर दिया। बाकी बेटी आपकी है, फैसला भी आपका होगा, हम चलते हैं। अरे बेटा बेटा रुको। जी अंकल जी। अरे इस तरह मुसीबत में मत डाल के जाओ, करना क्या है ये बोलो। सबसे पहले अंकल जी हमें एक जाल बिछाना पड़ेगा, उसके बाद इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद मछली खुद ब खुद जाल में आ जाएगी। क्या मतलब? मतलब आपस देखते जाइए, बाकी हम पर छोड़िए। हेलो हेलो मिस्टर एनआरआई। हु इज दिस? मैं बस शीला। अब वो सब छोड़िए, शीला की जवानी आपका इंतजार कर रही है, मुन्नी को बिना बताए बस आ जाओ। कौन शीला कौन मुन्नी? सेकंड फ्लोर फर्स्ट रूम, खुली मत कर आओ राजे, सीधा अंदर आओ राजे। What rubbish! जाल हमने बिछा दिया है, बस अब मछली का इंतजार है। मछली फंस गई अंकल। क्या कहा था मैंने इंग्लिश में? व्हाट द फक। और मेरा किया गया शक कभी गलत नहीं होता है। अरे यार शुक्रिया मेरे दोस्त, अगर तू नहीं होता तो आज इसका सच बाहर नहीं आता। बात तो सुन ले। बोल ना मेरे भाई। ये अनिकेत का रूम है। अरे वही तो मैं कह रहा था। ये अनिकेत का रूम है। अनिकेत का रूम है। क्या मजाक हो गया ना अंकल, हमें अनिकेत के रूम में डाल दिया अंकल। चलो चलते हैं। अरे यार तेरे इधर से उधर करने से क्या वो मिल जाएगी तुझे? तो क्या करूं यार, आज शाम को उसकी सगाई है, उसके बाद चली जाएगी वो एनआरआई के साथ, और मैं बस देखता रहूंगा, because I have nothing to do। मैं हार गया यार, मैं हार गया। आज मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। सुन भाई, अगर तू उससे सच में प्यार करता है ना, और तेरा प्यार सच्चा है ना, तो तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, उसका बाप भी नहीं। लेकिन मैं करूं भी तो क्या, बता तू। बहुत दिमाग से काम ले लिया, अब दिल से सोच, अपने दिल पे हाथ रख और सुन क्या कहता है वो तुझसे।
Hey, why you called me here? I'm sorry for my behavior. I just wanted your few minutes. क्यों? तुम्हें मुझसे क्या काम है? मुझे बस तुमसे कुछ कहना था. जो बोलना जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं. मालूम है आज सगाई है तुम्हारी. और तुम्हें एक बात पता है, मानसी बहुत प्यारी लड़की है. इतनी कि दुनिया का कोई भी इंसान उससे प्यार कर बैठे. और खुश नसीब होगा वो जो उसका हम सफ़र बनेगा. ओह, वो तो तुम ही हो. तुम्हें जो भी कहना है ना, साफ साफ कहो. बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मानसी और मैं, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं. और मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि अभी इसी वक्त उसे यहाँ से लेकर भाग सकता हूँ और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए मुझसे ज़्यादा उसकी इज्जत प्यारी है और मैं उसका इज्जत इस तरह उछाल नहीं सकता. तुझसे बस इतना ही कहूँगा, जब तू उसके सामने जाएगा ना, उसके आँखों में देखना क्या दिखता है तुझे. तेरे लिए चाहत या उसके आँखों से निकले हुए आंसुओं में मेरे लिए प्यार. और अगर तुझे वो आंसू दिखे तो खुद से पूछना, क्या रह पाएगा तू उस आंसुओं के साथ जिस आंसू में तुझे हमेशा मैं दिखूँ. बस इतना ही कहना था. चलता हूँ. एंड हाँ, हैप्पी मैरिड नाइट. जाने का गम और नाने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें. राह देख नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले. बहुत आई गई यारे, अगर इस बार तुम ही आना. हमें पूछो क्या होता है, बिना दिल के जिए जाना. बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना. ओ कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं. ओ कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं. मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं. मैं किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं. क्या हुआ भाई, शादी में नहीं जाना? देख मैं रेडी होके आया था. साले मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुझे शादी की पड़ी हुई है. सॉरी सॉरी भाई सॉरी. कहाँ जा रहा है, ठेके पे? चल मैं भी चलता हूँ. मैं चलूँगा. ये पकड़. गाड़ी सर्विसिंग करा, ब्रेक नहीं लग रही है भाई. ब्रेक की तार मैंने निकाल दी है. क्या? हाँ. अबे चूतिया है क्या?
अबे जिस जिंदगी में मानसी नहीं है वो जिंदगी मैं जी के क्या करूंगा? तेरी मानसी तेरी जिंदगी मुझे साथ क्यों लाया है? क्योंकि तू मेरा दोस्त है ना। लिफ्ट चाहिए क्या? बैठो। भाई वो लड़की मुझे मानसी जैसी क्यों लग रही है? मैंने इतना तो पिया भी नहीं था, चढ़ क्यों गई है? साले वो मानसी है। क्या बात कर रहा है? मानसी अरे स्टॉप द फाइट। मानसी आई लव यू। मैं जा रहा हूँ ये जिंदगी छोड़ के। अरे क्या बकवास कर रही है, पागल है क्या? ये गाड़ी नहीं रुकेगी, बाइक की ब्रेक फेल है। अनिकेत तुम कार को थोड़ा बाइक के क्लोज लो, हमें शाम को कार में लेना होगा। मतलब कैसे? अरे यार यूएस में रहते हो, कभी हॉलीवुड मूवीज नहीं देखी है क्या? शाम तुम कार में जम करो। शाम ठीक है मैं आ रहा हूँ। अबे साले कितना मतलब ये रखो, तेरा हंसपन साथ ही आओ सब जिंदगी खतरे में है, मुझे भूल गया। अरे भाई देख, मानसी जब तक नहीं थी तब तक मेरा बनने का प्लान था, अब मानसी आ गई है तो मैंने प्लान कैंसिल कर लिया। अब तू अपना देख ले। ऊपर वाला तुझे नर्क में भी चलाना थे। ए आगे देख, आगे देख। Hey guys! अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब टू साइलेंट शान ब्रदर्स एंड प्रेस द बेल आइकन। और प्लीज अनिकेत बेनीवाल के चैनल को भी जाइए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बढ़िया वीडियोस बनाती है और हम बनाता है एंड हमारी वीडियोस भी हैं उसी में, अभी अपलोड कर देंगे ना पहले। हाँ तो वीडियो अपलोड की आ चुकी है मेरे साथ, जाके देखो। हाँ तो प्लीज जाइए देखिए, वो वीडियो को भी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाय एंड लव यू लव यू।
team, take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running. You don't wanna follow me, no motherfucker.